साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन तीन बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडीय गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडीय गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी ये घमंडीय गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं
तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो, ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.